अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमीर हमजा एंड यू गाइज़ आर वॉचिंग हमजू पिशोरी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू डिवाइस के हवाले से, जो कि सैमसंग की न्यू डिवाइस है जिसका नाम है जी A05S। सो फाइनली सैमसंग में भी एक नया मॉडल आ चुका है। ये हमारे पास 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाला एक वेरियंट भी आता है और 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट भी आता है। इनकी ऑफिशियली प्राइस मैं आपको बता दूं, अगर 4 GB 128 GB अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल जो प्राइस है वो 43,500 रुपीज़ है, और जो 6 GB 128 GB है उसकी ऑफिशियल प्राइस जो है वो 47,000 रुपीज़। अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये थोड़े बहुत डिस्काउंट के साथ भी मिल जाएगा। सो इस फ़ोन करते हैं अनबॉक्सिंग। हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएंट है ये 6 GB 128 GB वाला है, उसमें हमारे पास जो कलर दिया गया है वो है जी ये सिल्वर टाइप का कलर है, इसमें आपको ब्लैक टाइप का कलर भी देखने को मिल जाता है। सो हमारी जो शॉप का एड्रेस है, शॉप का एड्रेस आपको बताता चलूँ, हमारी जो शॉप का एड्रेस है आई लिंक के नाम से हमारी शॉप है, नियर बाय बिलोर प्लाजा पिशावर सदर में है। इसके अलावा आप हमारी शॉप पर भी आ सकते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं हमसे। इस फ़ोन में हमारे पास आपको एक सिंपल जो है एक सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, और आपको यहाँ पे एक केबल देखने को मिल जाती है, एडाप्टर वगैरह यहाँ से स्किप किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है, फर्दर बॉक्स में और कुछ मौजूद नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पे रैपर पे जो मेन स्पेसिफिकेशन हाईलाइट की गई हैं उसमें हमारे पास इन्फिनिटी यू डिस्प्ले दी गई है, ट्रिपल कैमरा दिया गया है और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। उनकी लोको डिज़ाइन की अगर बात करें, हमारे पास यहाँ पे जो लोको डिज़ाइन दी गई है वो सेम A14, A34 और A54 की तरह का डिज़ाइन दिया गया। A54 तो नहीं, A34, A24 की तरह का आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, आपको यहाँ पे आपको जो बैग दी गई है ये प्लास्टिक बैग है, साइड फ्रेम जो है ये भी प्लास्टिक का है, और फ्रंट पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाती है, 3.5 mm का जैक है, और आपको यहाँ पे सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको माइक देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, और डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये 6.7 inches की फुल HD प्लस की डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो दी गई है वो है PLS की डिस्प्ले है, जिसका मतलब ये है कि ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो IPS डिस्प्ले आती हैं इस रेंज में, सो ये डिस्प्ले जो है उससे क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। PLS डिस्प्ले मेंशन किया गया है, तो ये डिस्प्ले क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और आपको यहाँ पे ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बेजल वगैरह उसी तरह A14 की तरह के काफ़ी बड़े बड़े बेजल्स दिए गए हैं साइड्स पे, और इसके अलावा अगर बात करें आपको ऊपर कैमरा जो है नॉच देखने को मिल जाती है, वाटर ड्रॉप कैमरा देखने को मिल जाता है, और 90 Hz की डिस्प्ले है, तकरीबन 900 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, और डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे 1080p रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। सो डिस्प्ले की अगर वो 90 Hz की बात करें तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्राइसेस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं A05S की, मतलब इस रेंज में डिस्प्ले वाइज तो मैं इसको काफ़ी अच्छा रेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग के जितने भी मॉडल्स आते हैं वो काफ़ी अगर 60 रेंज तक भी हो तो उनकी डिस्प्ले नॉर्मल IPS दी जाती हैं, बट इस दफ़ा आपको तकरीबन 47,000 की रेंज में आपको फ़ोन देखने को मिलता है, और डिस्प्ले क्वालिटी वाइज थोड़ी बहुत अच्छी दी गई है, PLS डिस्प्ले है, तो इसके यहाँ पर आपको ब्राइटनेस भी काफ़ी हाई देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नॉर्मल IPS के लिहाज से ये PLS जो डिस्प्ले है ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है, और 1080p रेजोल्यूशन के साथ ये डिस्प्ले आती है। इसके अलावा आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट को मैं इनरोल कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं फिंगरप्रिंट को भी। फिंगरप्रिंट को मैंने इनरोल कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ओपन हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता और ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, जो स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर जो कि 6 nm पे बेस करता है, और यहाँ पे आपको नॉर्मल यूज़ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर गेमिंग वगैरह भी खेलना चाहें तो थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह भी खेल सकते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ एंटूटू बेंचमार्क की, तो 4,26,000 तक के स्कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सो नॉर्मल यूज़ के लिए 680 जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करेगा, और यहाँ पे आपको इस रेंज में 680 प्रोसेसर और सैमसंग में पहले कभी नहीं देखने को मिला। आपको ज़्यादातर सैमसंग में मीडियाटेक के प्रोसेसर या डायमेंसिटी के प्रोसेसर देखने को मिलते थे, या यहाँ पर आपको जो सैमसंग के अपने जो चिपसेट होता है वही देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो आपको एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है, और यहाँ पे 6 GB रैम 128 GB वाला स्टोरेज वाला वेरिएंट भी है, और 4 GB 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पे
ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। सो मेन कैमरा आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और दो कैमरे जो हैं ये आपको दो दो मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं। सो कैमरा क्वालिटी की बात कर लें, हमारे पास यहाँ पे कैमरा क्वालिटी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल की जो क्वालिटी है लाइक डिसेंट क्वालिटी है, ज़्यादा बेहतर नहीं कह सकते। 50 मेगापिक्सल का जितने भी कैमरे हैं यहाँ तक यहाँ इस रेंज में जितने भी फ़ोन्स आते हैं 50 मेगापिक्सल जो भी प्रोवाइड करते हैं मोबाइल फ़ोन्स या जितनी भी कंपनीज हैं उसी तरह का कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। सो कुछ ज़्यादा इतने इसमें बेहतरी नहीं की गई, वही नॉर्मल सा कैमरा दिया गया है। इसमें अगर बात कर लें यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर फुल HD प्लस और 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और HD 30 FPS पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर बात करूं तो फ्रंट कैमरा में हमारे पास यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि बैक कैमरे की तरह का फ्रंट कैमरा भी नॉर्मल कैमरा है। ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की फ्रंट कैमरे से बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप फुल HD प्लस पे 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि बैक पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते थे। सो ये फ्रंट कैमरे का रिजल्ट है और कैमरा लाइक बस नॉर्मल सा कैमरा दिया गया है। बढ़िया कि प्रोसेसर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और डिज़ाइन और लुक लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। और इस दफ़ा जो है इस फ़ोन की जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है और कंपनी के बनेजर प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। बढ़िया कि पहले जो प्राइस थी, अब A14 था जब लॉन्च हुआ था तो किस प्राइस में था, और ये जो फ़ोन है जब लॉन्च हुआ है तो काफ़ी अच्छी प्राइस में है। डिस्प्ले वाइज भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, PLS डिस्प्ले है और यहाँ पे प्रोसेसर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। सो ये फ़ोन का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको फ़ोन अच्छा लगा और साथ में हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो अगर ये फ़ोन आप परचेस करना चाहते हैं, शॉप का एड्रेस आपको बताता चलूँ, आई लिंक के नाम से हमारी शॉप है नियर बाय ब्लोर प्लाजा पिशावर सदर में है। अगर आपको ये फ़ोन डिलीवरी चाहिए तो ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री कैश ऑन डिलीवरी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।